अस्सलाम वालेकुम माई स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। दिस इज़ यूर वर्चुअल क्लास। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हम वो थ्रू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम अपने डेटा को सेंड करते हैं, वो सेंडिंग डिवाइस होती है, रिसीव करते हैं, रिसीविंग डिवाइस होती है, और सेंड करने और रिसीव करने के दरमियान जिस डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं उसको कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। जैसे PDSL हो गया, हम इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इसके अलावा राउटर को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जोन की डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडियम के हम किस मीडियम को इस्तेमाल करके अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, दो तरह से हम करते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप TV के सिग्नल्स को लेते हो, जैसे आप TV पे कोई भी रिसीव हुआ हुआ डेटा देखते हो, ड्रामा देखते हो, तो वो आपका वो जो ट्रांसमिशन मीडियम वहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करते हो? वायर। और इसके अलावा मोबाइल में आप अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो विदाउट वायर, वो आपके पास वायरलेस होता है। ये दो ट्रांसमिशन मीडियम आगे, वायर्ड और वायरलेस। इसके अलावा सर्वर और क्लाइंट को हम रिवाइज करते हैं कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे CPU आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे आप सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक बिल्डिंग के अंदर हम नेटवर्क बनाते हैं, जो एक रूम के अंदर नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो सिटी टू सिटी हम अपना जो बनाते हैं नेटवर्क, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास पूरी दुनिया में फैला होता है, उसको हम फॉर एग्जांपल ग्लोबल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट। और ये आपको मैंने विद एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। इसके अलावा एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। पेज नंबर 5 पे फर्स्ट पैराग्राफ विद हेडिंग के साथ आपने लिखना है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये हमने करना है। तो आपके पास ये लिखे हुए हैं, इनको आपने लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, आपने ये देख लिया तो आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लिखना है। आई होप आपको समझ आई होगी। और ये वाला काम आप अपनी नीट कॉपी के ऊपर करोगे और अपना ये होमवर्क नेक्स्ट डे शेयर करोगे सुबह 8 AM से 11 AM तक। ओके, सो माई डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।